साथ हैवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. टुडे 17 जुलाई वेनसडे है, सुबह के 8:15 हो रहे हैं. आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. कल हमने देखा काफी दिनों के बाद एक स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, तो क्या यहां से अपसाइड मूव आ सकता है, क्या ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, क्या हर्डल्स होंगे बीच में, ये आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. यह पिक्चर है एक कल का, यानी 16 जुलाई 2019 आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपको हमारा कल का वीडियो देखना है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक यहाँ मिल जाएगी. तो कल के प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल जो था वो बन रहा था 11,627 के पास, और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,532 के पास. तो ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी ओपन होने के बाद टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा, और ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है ये काफी टाइम ये पेनेट्रेट हुआ, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 11,652 ये अचीव हुआ, और सेकेंड टारगेट 11,665 ये भी अचीव हुआ, और लास्ट के कुछ दो घंटे इसी फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट के रेंज में ही ये ट्रेड होते रहा. तो काफी एक्यूरेट लेवल्स कल के भी साबित हुए. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक नेगेटिव नोट के साथ बंद हुए. यूरोपियन बाजार देखे तो वहां पर कुछ पॉजिटिव ट्रेडिंग दिखाई दी और सभी हरे निशान में कल बंद हुए थे. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुकी है तो फिर से एक बार दबाव देखने को मिल रहा है. निकेई जापानीज मार्केट 105 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, और हांगकांग मार्केट 156 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह निफ्टी का वीकली चार्ट, ये सपोर्टिव इंडिकेटर्स में बंद कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे. यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था, ये जो लोज है इसे पकड़ के इसे मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ. तो इन बॉटम्स को पकड़ के जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन यहाँ पर हमें देखने को मिला है, और ये जो 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, और अभी ये ऊपर जाते वक्त ये ट्रेंड लाइन जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है. तो इसके ऊपर अगर ये ब्रेक होता है ट्रेंड लाइन फिर से, तो ये जो लास्ट स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक है इसके ऊपर इसे क्लोज होना पड़ेगा, तो ही उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से फिर से एक बार अपसाइड मूव हमें निफ्टी में दिखाई दे सकती है. अभी फिलहाल अगर स्ट्रक्चर देखे यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर देखे तो ये अपसाइड हायर हाइस के बाद अभी फिर से एक बार यहाँ पर ये लोअर हाइस क्रिएट हो रहा है. तो हमारा जो कि अपसाइड मूव का रूल है, जब भी अप ट्रेंड आता है तो इस पैटर्न में ये ट्रेंड बनता है, हायर हाइज हायर लोज, और जब भी डाउन ट्रेंड आता है तभी लोअर हाइज लोअर लो का ये पैटर्न बनता है. तो अभी फिलहाल एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर डाउन ट्रेंड का पैटर्न बन रहा है. तो जब तक ये इस हाई को कंफर्टेबली, ये जो हाई है इसके ऊपर अगर जब तक ये नहीं जाता तब तक ये डाउन साइड मूव यहाँ पर इम्पैक्ट रह सकता है. तो लॉन्ग जाते वक्त बी कॉशियस, ये सपोर्ट से ये जस्ट बाउंस बैक है जो कि हम अभी इसे शॉर्ट टर्म रिकवरी कह सकते हैं. ठीक है, जब तक ये प्रीवियस लोअर हाइस को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ से अपसाइड मूव का कन्फर्मेशन हमें नहीं मिल सकता. तो हर एक राइज के ऊपर यहाँ पर हमें एक फॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है. तो
तो ये सपोर्ट से यहाँ पर बाउंस बैक दिखा रहा है, जो कि हम शॉर्ट टर्म कवरिंग यहाँ पर कह सकते हैं। चलते हैं डेली चार्ट में। ये डेली चार्ट, डेली चार्ट में ये 100 ईएमए का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। कई सारे दिनों से हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि ये जो कैंडल्स है, ये लास्ट 4-5 डेज का यहाँ पर ये, तो ये काफी टेल छोड़ रहा था ऊपर या नीचे, ये टेल छोड़ रहा था, यानी यहाँ पर इनडिसिसिव पैटर्न था, ना बुल्स जीत रहे थे ना बियर्स जीत रहे थे। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट टाइम इन 5 ट्रेडिंग सेशंस के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बना है और हायर आए हायर लो का भी पैटर्न है। तो यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि और भी अपसाइड मूव देखने को मिले, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हर्डल्स है। ये 20 EMA, उसके बाद 50 EMA, ये अराउंड 11,700 के पास आ रहा है, दोनों भी ऑलमोस्ट 11,700 के पास आ रहा है। तो इसके ऊपर इसको सस्टेन होना पड़ेगा। ये अगर ऊपर जाता है निफ्टी इंडेक्स, तो यहाँ पर 11,700 के पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ऊपर अभी 11,700 और ये नीचे 100 EMA है, जो कि अराउंड 11,500 है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर 11,700 के ऊपर कोई डिसीजिव मूव दिखाई देती है तो ही हम एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर रिस्की होगा बोथ साइड ट्रेड बनाना, सो वेट एंड वॉच का सिचुएशन है। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। यह है निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट, आर्ली चार्ट है ये। तो अगर आज टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये मूव करता है निफ्टी, तो कल का अगर हाई ये ब्रेक करता है इसके ऊपर, यानी 11,671 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो ही हम इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा ये जो 100 EMA का ग्रे लाइन है एज पर 60 मिनट चार्ट, 11,685 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,697, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ अगर ये बढ़ता है, तो काफी मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है। पहला तो पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डे कल का ट्रेडिंग सेशन में इसने काफी ये लेवल को पेनेट्रेट किया था 11,635। उसके नीचे अभी 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। फिर है 20 EMA, फिर है पिवट पॉइंट का इस वन का लेवल। तो काफी सारे सपोर्ट लेवल्स है, तो ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ही हम शॉर्ट जाने की यहाँ पर सोच सकते हैं। 11,600 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही शॉर्ट जाने के लिए हम सोच सकते हैं, और तभी हमारा क्विकली टारगेट होगा 11,587, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,573, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे, तो शॉर्ट जाते वक्त काफी सोचना पड़ेगा कहाँ से ये बाउंस बैक हो सकता है, ये कहाँ नहीं जा सकता। सो कंफर्टेबली 11,601 के नीचे इसको सस्टेन होने दीजिए, तभी इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये था आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।